हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका 6.4.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहे हैं, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और जो उसका डायगोनल है, इट दिस मीन्स दिस, ठीक है। डायगोनल इज, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगनल बेटा, अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल में एक छोटी साइड होती है एक बड़ी साइड, तो उसने बोला जो भी छोटी साइड है, छोटी साइड को मैंने मान लिया एक्स, जो उसका डायगनल है उससे 60 मीटर क्या है बड़ा, उससे 60 मीटर बड़ा, यानी कि उसमें 60 क्या कर दूँ प्लस। इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, उसने बोली इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर यानी कि सबसे छोटी साइड कौन सी है एक्स, उससे भी 30 मीटर ज़्यादा, तो प्लस 30, यानी कि दिस इज योर, तो सबसे पहले क्या माना मैंने शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स प्लस 30 एंड डायगनल क्या हो जाएगा, डायगनल इज एक्स प्लस 60। उसने बोला फाइंड द साइड्स। अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल की, तो ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा, तो यहाँ क्या लिखूंगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू प्रपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इट मीन सबसे बड़ी साइड कौन सी, एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रपेंडिकुलर यानी कि छोटे वाली साइड, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बेस यानी कि लंबे वाली साइड, यानी कि एक्स प्लस 30 स्क्वायर। स्क्वायर कैसे ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये एज इट इज इन सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इट मीन्स 900 प्लस 2ab, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 60 into 2 120 इंटू एक्स प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 900 30 into 2 60, तो 60x। सोल्व करो, ये यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, 2x² में से एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, तो -20 और प्लस 60, -120 और प्लस 60 इट मीन्स -60x। ये वहाँ जाके नेगेटिव, -3600 और उसमें से करना है प्लस 900, तो ये कितना बच गया बेटा यहाँ से 2700, -2700 इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या करना है सोल्व, देखो कैसे करोगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो बेटा, ठीक है, डी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -60 कोफिशियंट ऑफ ए, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्या निकालने रूट्स। ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज बी, बी की वैल्यू क्या है -60 एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -2700, तो पुट कर दो बेटा वैल्यूज। अगर मैं डी निकालूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है बेटा -60, तो -60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2700, ठीक है। तो ये स्क्वायर करोगे तो बेटा 60 का स्क्वायर 36 और 10 के क्या हो जाएंगे 2 zeros, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से देखो 4 into 0 0 4 into 0 0, 4 7 is 28 2 4 2 is 8 and 2 ठीक है 10, इनको क्या कर दो प्लस, यहाँ से आ गया 0 0 8 and 6 14 1, यहाँ से 4 ये 1, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 1440,
ठीक है, इट मींस डी की वैल्यू ये आ गई। फॉर्मूले में पुट करो बेटा, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर टू ए। बी की वैल्यू क्या है माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 14400 डिवाइडेड बाई 2 × 1। माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस बेटा 144 का स्क्वायर 12 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इसको दो नंबर में मैंने ब्रेक कर लिया, देखो 144 और इंटू 100। इसका निकालूंगी तो 12, यहाँ से निकालूंगी तो 10, तो इट मीन्स 12 × 10 = 120। तो यहाँ से आ गया 120/2। तो देखो बेटा नंबर क्या बना, 60 प्लस 120/2 और 60 माइनस 120/2। तो 60 प्लस 120 इट मीन्स 180/2 इट मीन्स 90। 60 माइनस इट मीन्स -60/2, तो ये क्या आ गया -30। इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट। रीजन क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कांट बी नेगेटिव, किसी रेक्टेंगल की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती या लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू यानी कि शोल्डर साइड आपके पास क्या आ गई बेटा 90 मीटर, मीटर लगा देना साथ में। लॉन्गेस्ट साइड x प्लस 90 इट मीन्स 30, 90 प्लस 30 इट मीन्स 120। और आपका डायगोनल क्या आ गया x यानी कि 90 प्लस 60 इट मीन्स 150। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।